अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा गला ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है, तो खैर ये तो मौसम के साथ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो इसको रखते हैं एक तरफ और आज की जो न्यूज़ है, जो टॉपिक है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है ब्यूटिशन नादिया हुसैन के हवाले से, और वो क्या टॉपिक है ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। और आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और फुली सपोर्ट करें, और कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो जब आप देखते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या राय है और आप जो हैं इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलते हैं जी नादिया हुसैन की तरफ। और नादिया हुसैन को कौन नहीं जानता, मॉडलिंग से लेकर जो है ब्यूटी एक्सपर्ट तक का उनका सफ़र हम लोगों के सामने है, और अभी जो है वो हमें बहुत सारे ड्रामों में भी नज़र आती हैं। तो यूँ कह लें कि मल्टी टैलेंटेड हैं और काफ़ी हद तक वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये मेरा अपना पर्सनल जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। तो रिसेंटली ही जो है नादिया हुसैन आई थी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान निदा यासिर के शो में, और उनका जो टॉपिक था वो प्री ब्राइडल मेकअप के हवाले से था, जिसके हवाले से उन्होंने टू बी ब्राइड्स के लिए कुछ कारामत टिप्स जो हैं शेयर की। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि नादिया हुसैन का कहना है कि जो भी टू बी ब्राइड लड़कियां हैं वो अपनी स्किन का ख्याल रखें अपनी शादी से 3-4 महीने पहले, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी लड़कियां हैं उनके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि जी 2 दिन बाद हमारी शादी है तो आप हमारी स्किन ट्रीटमेंट कर दें, या जी कल हमारी शादी है शाम में, जी हमारा शादी का फंक्शन है तो जी हमें ब्राइडल मेकअप कर दें। तो उसके हवाले से नादिया हुसैन ने बताया कि ये उन लोगों उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को मैनेज करना, कि जो है एक मॉडल को वो जो बिल्कुल ही बेस के बग़ैर उनके पास आती है उसको एक नया लुक देना ब्राइड का, क्योंकि ब्राइडल लुक देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिसके हवाले से नादिया हुसैन ने बताया कि कुछ ऐसी लड़कियां आती हैं जिनकी तो ना फेस की थ्रेडिंग हुई हुई होती है और ना ही उन्होंने आईब्रोज़ बनाई होती हैं, तो जब उनकी थ्रेडिंग की जाती है, आईब्रोज़ बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है उनका मेकअप किया जाता है, तो मेकअप बेस सेट होने में बहुत टाइम लगता है और ये जो है उनके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़कियाँ हैं वो खुद से ख्याल करें कि काफ़ी अर्सा पहले जो अपनी स्किन की ट्रीटमेंट शुरू कर दें और जो है फेशियल वगैरह करवाएं, अपनी स्किन का ख्याल रखें और उपटन बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। यह बात उनकी सुन के मुझे काफ़ी हैरत हुई कि हमारे ज़माने में तो नानियाँ दादियाँ कहती थी चलो जी सुर्खी पाउडर अभी लगाने की क्या ज़रूरत है, मुंह पर एक हफ्ते तक उपटन मलो और चेहरे पर खुद ब खुद निखार आ जाएगा। या ये हो सकता है कि उस ज़माने में खुराकें थीं और अब हो गया है फास्ट फूड, तो कोई नेचुरल खुराक नहीं है जिसकी वजह से जो है लड़कियों के चेहरों के ऊपर जो है रौनक नहीं आती है। तो कई वजूहात हो सकती हैं, हर एक की स्किन डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट नज़रिए से ब्यूटिशंस जो हैं अपने क्लाइंट्स की स्किन को देखते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी टिप्स जो हैं शेयर की टू बी ब्राइट लड़कियों के लिए और बताया कि जो है किस तरह का मेकअप और कौन से जो है ड्रेस कलर चूज़ करना चाहिए और कितनी देर पहले जो है लड़कियों को तैयारी करनी चाहिए अपने मेकअप के लिए और फेस की बेस के लिए, और किस तरह स्किन केयर करनी चाहिए और अपनी जो स्किन की जो रूटीन है उसको कैसा रखना चाहिए। तो टिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा कारामद थी। अगर मैं उसके हवाले से बात करूँगी तो मेरी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नादिया हुसैन ने और क्या कहा है टू बी ब्राइड्स के हवाले से और दुल्हनों के मेकअप के हवाले से, तो निदा यासिर का मॉर्निंग शो आप यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में टिप्स मिलेंगी नादिया हुसैन की। तो यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।